हेलो दोस्तों, आज के इसी वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इसी वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत ही छोटे से पेन स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कैनडेट इमेजिंग लिमिटेड। अगर दोस्तों स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ये वीडियो को दोस्तों कंप्लीटली वॉच करें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये शेयर से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा गैम्बलिंग चल सकता है। ऑपरेटर स्टॉक के अंदर एक बुरी तरीके से गैम्बलिंग कर सकता है, रिटेल इन्वेस्टर को स्टॉक के अंदर फंसा सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ फंडामेंटली कंपनी खराब है, बिजनेस वाइज खराब है। कंपनी का बिजनेस शानदार है, कंपनी का फंडामेंटल भी अच्छा है। कंपनी लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में और ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो कर रहा है। तो आगे चलकर दोस्तों कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर एक बहुत ही बड़ा गैम्बलिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर कंपनी के बारे में बात की जाए तो कंपनी क्या काम कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ पर डेंटल एंड ईएनटी इमेजिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जहाँ पर आप देखिएगा 3D एंड 2D स्कैन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर आपको ये सब फोटोज़ वगैरह देखने को मिलेंगे। कंपनी डेंटल एंड ENT से रिलेटेड हाई क्वालिटी 3D और 2D इमेज प्रोवाइड करती है, जिसके तौर पर साफ पता चलता है जो कि डायग्नोसिस रिपोर्ट होता है, बहुत ही अच्छी तरीके का यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करती है। तो अभी के लिए अगर देखिएगा कंपनी का बिजनेस तो शानदार है, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटर एक बहुत ही बुरी तरीके से रिटेल इन्वेस्टर को फंसा सकता है। तो करंटली यहाँ पर दोस्तों डिस्कस करेंगे स्टॉक के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर स्टॉक को अवॉइड करें, और जो लोग स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड है उन्हें क्या करना चाहिए। तो सारे कुछ टॉपिक को दोस्तों आज के इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों कंपनी के अवॉर्ड में आपको पता चल गया होगा, कंपनी के बिजनेस के अवॉर्ड में पता चल गया होगा कंपनी किस सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है। तो बिजनेस वाइज दोस्तों तो कंपनी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मार्केट वैल्यूएशन की अगर बात की जाए तो मार्केट वैल्यूएशन यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 100 करोड़ का मार्केट वैल्यूएशन है। यानी कि दोस्तों ऐसे स्टॉक के अंदर ऑपरेटर तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटेड रह सकते हैं, तो अभी के लिए भी एक्टिवेटेड है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा 52 के अंदर स्टॉक लगभग डबल हो चुका है, 15 रुपये का शेयर अभी 32 तक जा चुका है। तो यहाँ पर आप देखिएगा स्टॉक का पी अभी भी 20 पे है, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्री का पी देखिएगा, यहाँ पर इंडस्ट्री का पी 25 पे है, यानी कि स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड में है। तो यहाँ पर आप देखिएगा रिजर्व मनी 17 करोड़ का यहाँ पर माइनस में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिविटी हो जाता है। और ऐसे में इंटरेस्टिंग वैल्यू से स्टॉक अभी भी नीचे है, 54 का यहाँ पर इंटरेस्टिंग वैल्यू है और करेंटली प्राइस यहाँ पर 32 का है। लेकिन यहाँ पर पेन स्टॉक के हिसाब से दोस्तों बहुत ही गजब का ROCE है, 45 और 44 का यहाँ पर ROCE है। तो फंडामेंटल वाइज दोस्तों मैं आपको पहले बता रहा था ना, यहाँ पर फंडामेंटल वाइज कंपनी अच्छा है। और डेट मनी की अगर बात की जाए तो 4 करोड़ का यहाँ पर डेट मनी है, थोड़ा सा यहाँ पर हाई डेट कंपनी है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस की अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल स्टेटस पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में आप सेल्स देख सकते हैं, कंपनी अच्छा सेल्स मेंटेन रखा है, एक ही रेंज के अंदर कंपनी का सेल्स होता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 करोड़ से लेकर 12 करोड़ के बीच में इनका सेल्स उसके अंदर ही घूमता रहता है। यहाँ पर आप देखिएगा नेट प्रॉफिट भी 1 करोड़ के बीच में होता है, थोड़ा बहुत इसमें ऊपर चला जाता है और थोड़ा बहुत इसमें डाउन आ जाता है। हर एक क्वार्टर में दोस्तों इसी बीच में कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ओवरऑल जो सिनेरियो है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी का ग्रोथ कंसिस्टेंटली आपको ग्रोथ करता हुआ देखने को मिलेगा। हर साल कंपनी का नेट प्रॉफिट और सेल्स इंक्रीजमेंट हुआ है, पहले मार्च 2015 से आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसली कंपनी का सेल्स इंक्रीजमेंट हुआ है। और नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कंसिस्टेंसली कंपनी ग्रोथ किया है। तो आप देख सकते हैं पहले कंपनी लॉस में था और अभी देख सकते हैं 5.20 करोड़ का प्रॉफिट किया है। और ऐसे में सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक प्राइस CAGR हर एक यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी खासी रिटर्न के साथ देखने को मिलेंगे। TTM से लेकर 5 साल तक यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रिटर्न के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा नेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। यहाँ पर प्रमोटर ने जो भी होल्डिंग था स्टेबल था, लेकिन अभी के क्वार्टर में दोस्तों थोड़ा सा डिक्रीजमेंट किए हैं, जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों एक नेगेटिव साइन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कंपनी का शेयर प्राइस पिछले 1 साल के चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको वोलेटाइल देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन डाउन देखने को मिलेगा। हर एक मोमेंटम में दोस्तों स्टॉक के अंदर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी होता है और बहुत ही ज़्यादा डाउन आ जाता है। लेकिन अभी के लिए अगर देखिएगा स्टॉक के अंदर इसमें ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल था इसको स्टॉक ने ब्रेकआउट दे चुका है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आगे आने वाले दिनों में स्टॉक का जो प्राइस है इसी रेंज तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू है और ऐसे भी स्टॉक के अंदर ऑपरेटर बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटेड है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ ये स्टॉक के बारे में यूट्यूब के ऊपर एक एड प्रमोशनल वीडियो प्रमोट किया जा रहा है, जिसके तौर पर दोस्तों इस स्टॉक को प्रमोट किया जा रहा है, स्टॉक को मल्टीबैगर बताया जा रहा है। मल्टीबैगर तो स्टॉक है ही, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न की अगर बात की जाए दोस्तों
तो रिटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पिछले एक महीने के अंदर 62% का रिटर्न बना के दिया हुआ है और पिछले छः महीने के अंदर भी 69% का रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम पर आप देखिएगा, ऑल टाइम में स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, 2868% का रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों चार्ट को आप कंसिडर करिएगा, स्टॉक के अंदर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्विंग देखने को मिला है। तो अभी के लिए स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट ले चुका है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं आपको बता दूँ 50 की प्राइस रेंज तो ये स्टॉक जा सकता है, लेकिन आपको भी दोस्तों थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए। अगर ऐसे स्टॉक यानी कि जो स्टॉक को किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रमोट किया जा रहा हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ा समझ जाना चाहिए, थोड़ा कॉन्शियस हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं दोस्तों ऑपरेटर ऐसे स्टॉक के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटेड रहते हैं, जो कि आगे चलकर रिटेल इन्वेस्टर को एक ऊपर की प्राइस में स्टॉक को फंसा सकते हैं, स्टॉक के अंदर फंसा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों स्टॉक के अंदर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए। फंडामेंटल वाइज और बिजनेस वाइज कंपनी ख़राब नहीं है, और इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए दोस्तों, थोड़ा सा स्टॉक ओवर वैल्यूड में आ सकता है और आगे दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर ऊपर की प्राइस में स्टॉक के अंदर फंस सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बता दूँ, आगे चलकर दोस्तों चाहे तो स्टॉक के अंदर आप स्विंग ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। स्टॉक इसी रेंज को ब्रेकडाउन दे चुका है, तो मतलब स्टॉक इसी रेंज तक जा सकता है। तो इसीलिए आप अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके स्टॉक के अंदर आप एग्जिस्ट हो सकते हो। और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों इसका जो रेंज रहेगा यहाँ पर एक सही लेवल रहेगा, तो तब तक आप वेट कर सकते हैं, जो कि 15 का जो प्राइस रेंज रहेगा उसके ऊपर आप कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर इसी रेंज के आसपास स्टॉक मिल जाता है तो उसके ऊपर दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं। लेकिन अभी के लिए दोस्तों बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, नहीं तो आगे चलकर स्टॉक के अंदर आप बुरी तरीके से फंस सकते हो। तो आज के इसी वीडियो में दोस्तों इतना ही, तो मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।